हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्नू। मेरा चैनल यमी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम फूलगोभी की एक नई रेसिपी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कुछ सामग्री लिया है। ये एक मीडियम साइज़ को फूलगोभी को मैंने ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। दो प्याज लिया है, दो हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन के कली और दो मीडियम साइज के टमाटर। सबसे पहले हम ये सारे चीज़ों को बॉईल करेंगे, थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। मैं सारे सब्जियों को गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं, उसके बाद इसको ढककर पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, अभी हमारा सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है। इसी समय हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और सब्जी को 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, सब्जी को ढककर 4 से 5 मिनट हो गया है और हमारा सब्जी जो है अच्छे से बॉयल हो गया है। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद रेसिपी स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह सारे सब्जियों को कटोरे में प्लेट में निकाल लेंगे और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, हम करी में यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अभी हमारा सब्जी और ये सारे मसाले ठंडे हो गए हैं। हम टमाटर से ऐसे छिलके निकाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने टमाटर से सारे छिलके निकाल लिए हैं और प्याज को भी काट लिया है, अदरक को भी काट लिया है। अभी हम इसका पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स गोभी को ऐसे हाथों से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। गोभियों को अच्छे से ऐसे मैश कर लेंगे हाथों से। फ्रेंड्स देखिए, मैंने फूलगोभी को अच्छे से मैश कर लिया है। अभी हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया, थोड़े से ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। कलर अच्छा आने के लिए कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून फुल बेसन ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। अभी हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। ये सारे चीज़ों को गोभी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारा फूलगोभी का अच्छा सा डो बनकर रेडी हो गया है। हमें इस तरह सा डो बनाना है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने फूलगोभी को ऐसे छोटे छोटे बॉल बना लिया है। अभी हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, नहीं तो हमारे पकौड़े जो है वो जल जाएंगे। अभी हम ऐसे गोभी को पकौड़ियों को पलट देते हैं, दोनों साइड से अच्छे से कुरकुरा कर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारे सारे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरह हम सारे गोभी के पकौड़े बना लेंगे। कितने अच्छे से कुरकुरे फ्राई हो गए हैं।
फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे गोभी को तल दिया है इसे। अभी हम करी का रेसिपी स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई गरम हो गया है हमारा, अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, इसी समय हम थोड़े से गरम मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी जीरा, मसालों को अच्छे से चटकने देते हैं। फ्रेंड्स हमारा मसाला अच्छे से चटक गया है और इसी समय हम मसाला का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। अभी हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। हम गोभी के साथ भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था, इसीलिए अभी थोड़ा कम ही डालेंगे। और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स मसालों को ढककर 2 से 3 मिनट हो गया है। देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। इसी समय हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को ऐड करेंगे, इससे हमारा करी जो है बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। अभी हम फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि मसालों में अच्छे से उबाल आ जाए। फ्रेंड्स मसालों को ढककर 2 से 3 मिनट हो गया है। इसी समय हम गोभी के कोफ्ते को ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स अभी हम कोफ्ते को 1 मिनट के लिए ढककर मसालों के साथ पका लेंगे। थोड़े से धनिया पत्ते भी ऐड कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए मेरा फूलगोभी का कोफ्ता करी बनकर रेडी हो गया है। आप इसे गरम गरम रोटी, पूरी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारा कोफ्ता करी कितना अच्छा बना है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, मुंह में घुल जाने वाला कोफ्ता करी बनकर रेडी हो गया है।